नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मकदूमी। मेरी तरफ से आप सभी को जो मी। तो आज हम कर रहे हैं एक कमाल का चैलेंज जिसका नाम है गेस द सॉन्ग बाय इमोजीज चैलेंज, जिसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो क्या होता है कि हमें अभी इमोजीज दिखाए जाएंगे और हमें उससे एक गाना बनाना होता है। ये चैलेंज इतना ज्यादा क्रिएटिव और इतनी कम बार किया गया यूट्यूब पे, मैं ही कम से कम 10,000 बार कर चुका हूँ, तो एक बार और सही। आइए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला है मी प्लस पैन, मी पान, मी पैन, मी पैन, मी पैन, मी पैन, मी पैन। ये कोई अंग्रेजी गाना लग रहा है। मी पैन, मी पन, कुछ भी। मुंबई इंडियंस पैन, क्या बोलता हूँ मैं, कुछ भी बोलता हूँ। मी पैन, मी पैन कौन सा गाना है? मीठी आमो, नहीं, मी पैन, मी। हाउ कैन एनीबॉडी गेस मी पैन? व्हिच सॉन्ग इज मी पैन? यही तो आपको पता लगाना है सर। आई गिव अप मैन। पहली बात तो, ओह माय गॉड, मी तवा था वो, इट वॉज नॉट मी पैन, इट वॉज मी तवा। मैं सच बोलू, मैंने एक बार सोचने की कोशिश भी करी कि पैन को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे को याद ही नहीं आया। व्हाटएवर, नेक्स्ट। मैं 12B लड़की, अरे वो टोनी कक्कड़ का 12 लड़के। Nope. मैं 12 हनी लड़की, मैं 12B लड़की। Nope. मैं 12वीं लड़की। Nope. मैं 12वीं लड़की। Nope. बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो। मैं 12वीं लड़की, मैं 12B लड़की, मैं 12B लड़की। आई एम बारबी डॉल, आई एम अ बारबी गर्ल। ओ क्या, I'm a Barbie girl in the Barbie world. अगर ये सही है तो मैं गॉड हूँ इस चैलेंज का। In the Barbie world. गाना नहीं चला सकता मैं, क्योंकि आजकल तो अगर तुम बोलते भी हो ना अपने मुंह से तो उस पे क्लेम आ जाते हैं, तो गाना तो बहुत दूर की बात है। हमारा जवाब सही था, आगे बढ़ते हैं। टू बेल्ट टू नौ रंग है, तू बेल्ट तू नौ रंग, दो बेल्ट तू नौ रंग, रंग ही है ना या कलर। तू बेल्ट है तू नौ रंग। बेल्ट को हिंदी में बोलते हैं बेलट। नहीं क्या, बेल्ट की हिंदी नहीं आती मेरे को। तू बेल्ट है तू नौ रंग है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी करके एक सीरियल आता था, मेरे दिमाग में बार बार वही आई जा रहा है। आई गिव अप मैन। धू बेल्ट के लिए पट्टा, तेरा नौ रंग था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज मेरे को बेल्ट की हिंदी नहीं आ रही थी, पट्टा था भाई। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चोर दिल मेरा, चुरा के दिल मेरा। रुक जाओ, गा नहीं सकता मैं भी गाऊंगा तो भी क्लेम आ सकता है आजकल, बस हम देख लेते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ये वो गाना है। चुरा के दिल मेरा, ओए होए होए, अक्षय कुमार कितना स्मार्ट था यार। बिना म्यूजिक के सर मैं हिला रहा हूँ, तू रू 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 रू। ती तलिया, ये तो सामने लिखा हुआ है, तितलिया। यार मेरा तितलिया वर्गा, नहीं गाना चाहिए मेरे को, क्लेम आ जाएगा। मेरे गाने पे भी क्लेम आ सकता है, मेरे बोलने पे भी क्लेम आ सकता है, क्लेम आ गया है ऑलरेडी मेरे बोलते बोलते में। वर्गा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आई एम अ प्रो गेसर, मेरे आज तो सारे सही होंगे। नेक्स्ट है लात प्लस फैक्टेक्स, लेग प्लस फैक्टेक्स, लेग, एक मिनट, लेग से लात भी हो सकता है, फैक्ट की हिंदी होती है, इट्स अ फैक्ट, ये एक कथन है। Okay, let me speak it. ऐसा तो कुछ बन सकता है शायद, you know. Lat factics, lat factics, leg factics, leg factics, lat fact. Nope. Lat kathan. Nope. Leg kathan. Nope. Leg kat gayi. What am I saying? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। एक सेकेंड, darling you look perfect. तो इससे leg और fact मिलाया तो leg. एक तो पहली बात अंग्रेजी गाना क्यों है भाई यार, मैं ये गाना तो सुना हुआ है वैसे, बट फिर भी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था हिंदी गाना होगा। लेग फैक्टेक्स से परफेक्ट यार, मैं क्यों लॉजिक बनाने की कोशिश, आगे चलते हैं। ये KRK, सो KRK की शक्ल है यहाँ पे, हैंडसम लड़का, कि वो मूवी का गाना हो सकता है। मेरा दिल वे जादू कर गया सीने से निकल कर, वो वाला हो सकता है, या फिर आजकल वो KRK का वो ट्रेंड चल रहा है जिसमें वो सलमान खान के गाने पे नहीं हो लगदा दिल, उस पे वो ऐसा ऐसा लाते यूं कर रहे होते हैं, वो भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि सबसे प्रोबेबल आंसर है हसीन, ये हसी वादिया, ये खुला आसमां, हसी चेहरा, ऐसा कुछ। <laughs> <laughs>
Shout out to the original creator of this challenge music via. Do check him out. Link in description also. But KRK के बारे में please ऐसे मत बोलिए. He's my best friend. गाना होने चाहिए था. ये हंसी चेहरा ये खुल. Next आगे बढ़ते हैं. सुनियो दिल एक story. सुनो प्यार की एक कहानी. अरे ये कौन सा गाना है? सुनो प्यार की एक कहानी. आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी. टुक 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 गाना गा मैं रहा हूँ. क्लेम ऑलरेडी आ चुका है. आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी. इजी लेट्स गो. नेक्स्ट बॉयस. तुमसे ही तुझसे ही तुझसे हंसी. तुझसे हंसी तुझसे खुशी है तुझी से जिंदगी. ये किसी टीवी सीरियल की वो थी इंट्रो पर ये यहाँ पे वो नहीं होगा. क्या होगा? तुमसे हंसी तुझसे हंसी. अच्छा हंसी भी हो सकता है वो सुंदर वाला हंसी. तुझसे हंसी तुझसे खुशी हम तो चले थे दोस्त बन के जाने कहा दिल मिल गए. पर वो तो ये नहीं होगा डेफिनेटली. पर ये है तुमसे हंसी. अब ये तुमसे कौन सा हंसी वाला गाना? बहुत सारे हो सकते हैं तुमसे हंसी वाला गाना. तो मैं कुछ नहीं करता. मैं बस यूट्यूब पे जाके तुमसे. हाँ यार ये बड़ा मुश्किल हो सकता है ये गेस करना. तुमसे हंसी मैं अगर कहूँ तुमसे हंसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ ये भी तो. मतलब तुम सोचो कि तुम सोचते हो और फिर तुम अपनी सोच को YouTube पे जाके सर्च करके तुम अपनी सोच सबको सोचवाते हो और फिर तुम्हारी सोच ही गलत सोच निकलती है. एंड यू आर सो स्टूपिड कि तुम चीटिंग करके भी फेल हो गए. आगे बढ़ते हैं. तू मैं दो तुम मेरे टू. अरे ये तो अपना ही गाना है. ओ मैं ही हूँ वीडियो में. किस बात का करूं मैं इंतजार. साथ फेरे संग लू तेरे बस रहना मुझको अब है तेरे साथ. याद आती है मुझे अपनी पहली मुलाकात. ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना चाहूं. तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं. इस गाने पे क्लेम नहीं आएगा इसलिए मैं पूरा बजा सकता हूँ. अच्छा वेल आए वेल आए वेल आए वेले असी वेले केंदे सानू की असी वेले. वेले से तो यही गाना आ रहा है. सनु वेले केंदे सानू की. इससे ज्यादा गाना नहीं मैं प्ले करूंगा. अब तो पक्का क्लेम आएगा. कुर्सी से गजनी. nope. कुर्सी से टैटू. nope. कुर्सी से आमिर. nope. कुर्सी से मूवी. कुर्सी से गजनी. कौन सा गाना हो सकता है भाई? कुर्सी से गजनी. कुर्सी से गजनी मेरे को बोलते हुए भी मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. कुर्सी से सिक्स पैक एब्स भाई तगड़ा आदमी. कुर्सी से बॉडी. कुर्सी से बॉडी हो सकता है. कौन सा कुर्सी से बॉडी? ये कौन सा गाना है? कुर्सी से बॉडी. चेयर्स बॉडी. चेयर्स बॉडी. चेयर्स गाइस. चेयर्स बॉडी. मैंने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को. चेयर्स गजनी इज इक्वल टू चरस गांजा. ये मेरे को लगता है म्यूजिक वाया ने गांजा फूक के ही बनाई थी वीडियो. चेयर्स गजनी से चरस गांजा. कुछ भी. आगे बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट दिल प्लस डोसा. ये कोई राजस्थानी गाना है तभी एंड में सा है. दिल दो सा. दिल सांबर. nope. दिल चटनी. nope. ये देख के मेरे को इतनी जोर से डोसा खाने की क्रेविंग होने लग गई है ना भाई. गॉड आई हैव नो आईडिया कौन सा गाना है. लव डोज बिकॉज दिल नहीं था वो लव था और वो डोसा से डोज हो गया. मैं बेवकूफ. काम जरा काम. भाई है ना वो भाई जरा भाई या फिर काम जरा काम. इससे मेरे को जरा जरा बहकता है. भरावट से तो वही याद आ रहा है लेकिन काम जरा काम. जरा सा काम करो. पोछा जरा पोछा. हाँ पोछा भी तो हो सकता है. पोछा जरा पोछा. पूछा जरा पूछा क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है ये कोई भी वर्ड से कुछ भी बन जाता है. तो गीला पोछा है ना. गीला पोछा जरा गीला पोछा. सफाई भी तो हो सकती है. सफाई जरा सफाई. सफाई से साफ. साफ जरा साफ. साफ जरा साफ. जरा साफ जरा साफ. जरा कोई गाना है साफ जरा साफ. सफाई मैं सब ट्राई कर लिया यार ये कोई वर्ड नहीं बन रहा मेरे से. I was right. पूछ जरा पूछ. तो अब ये इतना पुराना गाना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा. पूछो जरा पूछो. तुमसे दिल लगाने की सजा है.
गिरा दिल, ये गिरा और चोट लग गई दिल पे, चोट दिल, फॉलिंग लव, आई एम फॉलिंग इन लव, ऐसा कोई गाना होगा ये। ओ सल्लू भाई का, आई गेस आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई गेस आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, वो स्टेप बहुत प्यारा है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, आई गेस आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई गेस आई एम फॉलिंग इन लव, ये वही है, इफ दिस इज नॉट दैट देन आई एम डन विद दिस चैलेंज, आई एम जेन्युइनली डन इफ दिस इज, I guess I'm falling in love with you. I guess I'm falling in love with you. Alright guys, तो अभी तक तो इस वीडियो पे क्लेम जो है वो आ ही चुका है, बट ठीक है, आप एक चीज कर सकते हो कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उससे क्या होगा कि पता नहीं उससे कुछ होता है कि नहीं होता है, बट वैसे ही कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।